प्रदेश के सिद्धार्थनगर में एक बड़ा हादसा हुआ है, जहां एक रोडवेज बस और ट्रक की जोरदार टक्कर से दर्जनों लोग घायल हो गए। घायलों को इलाज के लिए नजदीकी अस्पताल में भर्ती करवाया गया है, जहां बस ड्राइवर समेत चार लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं बस ड्राइवर की गंभीर हालत के चलते जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया है। उसे बता दें कि हादसा इतना भयानक था कि ट्रक और बस दोनों के परखच्चे उड़ गए हैं। जानकारी के मुताबिक घटना इटवा थाना क्षेत्र के महादेव और बलुआ के बीच में हुई है, जहां बलरामपुर डिपो की बस इटवा से विस्कोहर होते हुए बलरामपुर जा रही थी। इस दौरान बस की ट्रक से भीषण टक्कर हो गई। उत्तर प्रदेश के शिक्षा विभाग के शिक्षक महासंघ के आह्वान पर जिला सिद्धार्थनगर में भी शिक्षक संघ ने अपनी मांगों को लेकर एक बार फिर प्रदर्शन किया। जिले के सभी शिक्षकों ने सामूहिक अवकाश लेकर स्कूलों में तालाबंदी करते हुए बेसिक शिक्षा अधिकारी कार्यालय के परिसर में धरना दिया है। इस धरना प्रदर्शन में हजारों की संख्या में शिक्षकों ने अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। वहीं शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष का कहना है कि प्रदेश के सभी शिक्षकों की समस्याएं प्रदेश सरकार की वजह से लंबित हैं और उनकी सबसे बड़ी मांग पुरानी पेंशन बहाली है। ऐसा है कि प्रदेश के सारे शिक्षक, चाहे वो प्राइमरी के हों, माध्यमिक के हों, चाहे डिग्री कॉलेज के हों, चाहे मदरसे के हों, चाहे संस्कृत पाठशालाओं के हों, सारे लोगों की तमाम तरह की समस्याएं हैं जो सरकार के स्तर से लंबित हैं। सबसे बड़ी मांग हमारी पुरानी पेंशन की बहाली है। इसके अतिरिक्त रोज नए नए प्रयोग शिक्षा में हो रहे हैं, जिससे कि शिक्षा का भी बंटाधर हो रहा है और हमारे शिक्षकों का भी सम्मान जा रहा है उससे। उन तमाम मांगों को लेकर हम लोग चरणबद्ध तरीके से बरसों से संघर्षरत हैं। सरकारें वार्ता भी करती हैं, लेकिन उसका कोई परिणाम धरातल पे नहीं आता है, कोई शासनादेश निर्गत नहीं होता। अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो ये आंदोलन का पांचवा चरण था। इसके बाद प्रांतीय नेतृत्व तो शिक्षक महासंघ का जो भी तय करेगा उसके अनुसार हम लोग अपनी मांगे करेंगे जो हमारी